बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच हाजिर हुए सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी तमाम खबरों को लेकर। साथियों, बड़ी खबरें बहुजन समाज के व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में कैसे होगा मिशन पूरा, कैसे आ सकता है बहुजन समाज पार्टी का राज, और किसान आंदोलन में क्या कुछ नया बड़ा ऐलान हो चुका है और किसने क्या कुछ बड़ा फैसला ले लिया है, इन सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास इस खबर को अवश्य पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस खबर में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होने वाली है उन बिंदुओं के बारे में सभी को पता चलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। साथियों, अब हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करें तो हम लगातार एक हफ्ते से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, लगातार गांव-गांव जाकर लोगों के मन में क्या है, आखिर जो समाज है उत्तर प्रदेश के जो वासियों यूपी में रहने वाले, आखिर वो किसको राज चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी एक सर्वे की तरह पर आज हम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार आपको अपने बी मिशन टीवी चैनल पर वीडियोज मिल जाएंगी। सबसे पहले जो हम आपको बता दें, सबसे पहले तो जो समाज के व्यक्ति हैं वो लगातार बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि किसान व्यक्ति हैं, जहाँ कहीं भी वो पंचायत कर रहे हैं या एकजुट होकर फैसला ले रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को 2022 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और 2022 में जिस तरीके से बीजेपी को जो जवाब दिया जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनका साफ साफ कहना है, 2022 के चुनाव में आप खुद देख सकते हो हम किस तरीके से जवाब देंगे। किसान व्यक्तियों का यहाँ तक भी कहना है कि मैं जब गांव में निकलता हूँ पूछता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए किसान व्यक्ति हैं और बता नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। उन्होंने बोला है कि हमने ही बैठाला है केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी को, यूपी की कुर्सी पर जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनती आ रही है, वो सिर्फ हमारी देन है, किसान व्यक्तियों की देन है, वो ऐसी बात कहते हैं किसान व्यक्ति। और साथियों, उनका ये भी कहना है जिस तरीके से हमने बैठा है उस तरीके से हम नीचे उतारना भी जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, किसान नेता राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, इन सभी के द्वारा ऐलान हो चुका है गांव-गांव में पंचायतें होंगी, घर घर में से लोगों को बुलाया जाएगा, घर घर जाके एकजुट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कैसे जो किसान बिल आए हैं, जो किसान तीन कानून आए हैं, वो किस तरीके से किसान के लिए गलत हैं। तो साथियों, लगातार पंचायत हो रही है, मैं सादवा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ तो सादवा विधानसभा क्षेत्र में लगातार पंचायतें हो रही हैं बिसावर, और मैं सभी जगह पर जा जाकर जीरो ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। और 15 जो फरवरी की बहुत ही ज़्यादा महापंचायत बुलाई गई है सादवा में, मुजफ्फरनगर, राजस्थान, हरियाणा, सभी जगह पर पंचायतें हो रही हैं। और साथ में अगली खबर जो है, जिस तरीके से हम आपको बताने करें कि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों के लिए कीलें लगाई गई थी, अब किसानों ने कीलों का बदला फूलों से दिया है, यानी कि किसानों के लिए तो कीलें लगाई गई थी जिससे उनको नुकसान हो जाए, किसान व्यक्तियों ने, राकेश टिकैत ने खुद अपने हाथों से गाजीपुर बॉर्डर पर फूलों का जो खेती करनी शुरू कर दी है। तो साथियों, अगली खबर जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बात कर लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी कैसे आखिर कैसे सरकार आ सकती है 2022 में। साथियों, ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश करें तो हर एक व्यक्ति की यही मांग है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी चाहिए 2022 में। बहुजन समाज पार्टी में महिलाएं, दलित समाज के व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को और उसे किसी भी बात का डर नहीं रहता। जैसे कि इस दौर में हर एक व्यक्ति की, कमज़ोर व्यक्ति की ज़मीनें हड़प ली जाती हैं दबंगों द्वारा, भूमाफियों द्वारा। तो साथियों, यूपी में जब BSP सरकार थी तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। जिन गाँव में विकास के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया जाता था, उन गांव में भी विकास हुआ। और अब कई गांव मैंने ऐसे देखे कि वहां पर ऐसी खराब रास्ता है, वहां पर जाना भी मुश्किल है। तो साथियों, जब 2000
जो BSP सरकार थी, हर एक गांव को चमन किया गया था। जो मैं हालांकि जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में अगर आओगे तो आप ये सोचोगे कि क्या इसमें इंटरनेशनल जो हाईवे होते हैं उनके रोड डले होते हैं। इस तरीके से मेरे गांव में चमन, मेरा गांव है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये साफ़ सुथरा ये तभी हुआ था जब BSP की सरकार थी। तो साथियों, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता चल सके कि जनता किसको चाह रही है, किसको नहीं चाह रही। और ज़्यादातर BSP के बाद जो दूसरे नंबर पर सरकार अच्छी बताई जा रही है वो समाजवादी पार्टी बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में प्रशासन सख्त रहता था, वो हर एक व्यक्ति की सुनता था और जहाँ कहीं भी घटना घटित होती तो सबसे पहले प्रशासन पहुँच जाता था। पर BJP की जो जिस तरीके से लोग वहाँ बोल रहे हैं वो कतई ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई विकास हुआ है। तो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार आपको खबरें देते रहेंगे। और साथ में अगला बयान भी BSP के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र भदौरिया जी की तरफ से आया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, किसानों ने किया था कि चक्का जाम होगा 6 फरवरी को। 6 फरवरी को चक्का जाम का जब ऐलान किया था तो BSP के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र भदौरिया जी ने इसका पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने बोला कि बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करती है। और उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी जो 6 फरवरी का जो चक्का जाम था उसका समर्थन किया है। सबसे पहले आप सुरेंद्र भदौरिया जी की आप वीडियो देखिए। विरोध कर रहे हैं जो किसान, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। और दूसरी तरफ यह भी ऐलान हुआ है कि कोई भी चक्का जाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और NCR में नहीं होगा। BSP का इस पर क्या कहना है? देखिए, वो ऐसा मैं समझता हूँ कि किसान कुछ अपनी सांकेतिक बात करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम करने के लिए मना किया है। और बाकी प्रदेशों में भी एक शांतिपूर्ण ढंग से वो अपने प्रोटेस्ट को करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। जो 26 जनवरी की घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को हर तरफ से, दोनों तरफ से नहीं दोहराया जाएगा, ऐसा भी हम उम्मीद करते हैं। और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही आपने ये वीडियो देखी, आप इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। और जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दे रहे हैं तो आपको वो खबरें कैसी लग रही हैं ये सब आप अपनी कमेंट में राय दें। और आखिरी खबर तो यही है, किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है और किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान लगातार अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। और गांव-गांव में ये जंग छिड़ चुकी है। लगातार गांव के व्यक्ति, गांव के जो नेता हैं, किसानों के नेता जो मुखिया होते हैं गांव में, वो गांव के, गांव में से घरों में से व्यक्ति निकाल निकाल कर पंचायत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं किस तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और किस तरीके से हमको जीत हासिल होगी और ये जो बिल आए हुए हैं इनको किस तरीके से वापस करवाया जा सकता है। तो आप देख रहे थे BMission TV YouTube चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ।